हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमारे यहाँ के कंपाउंड के अंदर ही थोड़े बहुत फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पेड़ पौधे हैं और इसी कंपाउंड के अंदर है कंपनी के गेस्ट हाउसेज और फैमिली अकोमोडेशन और भी बहुत कुछ। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम इंडिया में देखते हैं और खाते भी हैं रोज़, उसको हम यहाँ पर देखते हैं तो खुशी तो होगी ना। मुझे इन्हें ऐसे ही देखने में बहुत खुशी मिलती है, सोचा कि आपसे भी ये शेयर करूं। आप भी देखिए कि अफ्रीका कितना इंडियन दिखता है। हम रहते हैं खूब सारे पेड़ों के बीच, दूर से देखोगे तो जंगल जैसा ही दिखेगा। यहाँ पे देखने दिखाने को बहुत कुछ है, कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊँ मैं आपको। कंपनी जाना हो या बाहर कहीं जाना हो तो लेफ्ट जाना है और राइट के तरफ है हमारा ये जो फार्म। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। मुझे थोड़ा कड़ी पत्ता चाहिए था, पहले हम उसको तोड़ लेते हैं, आपको दिखा भी देती हूँ। हमारे केरला डिशेस में बहुत सारे कड़ी पत्ते का यूज़ होता है और मैं पर्सनली खूब सारा कड़ी पत्ता जो भी बनाती हूँ डालती हूँ। तो ये हुआ ना सोने पे सुहागा, और क्या चाहिए। कितने सारे पौधे हैं देखिए आप, हम जो खाते हैं अगर वो हमें अपने आंगन में ही मिल जाए तो इससे ज़्यादा हमें चाहिए भी क्या। पिछली बार जब मैं इन्हें तोड़ने आई थी इनमें काफ़ी धूल जमा हुआ था, हल्की सी एक दो बारिश हुई थी पिछले हफ्ते। अभी देखिए ये बहुत ताज़े लग रहे हैं। मैं पूरे एक हफ्ते के लिए लेकर जाती हूँ तो थोड़े से निकाल लेते हैं अभी। ये थोड़ा अंदर है और यहाँ पर भी अब देखिए कितने सारे पौधे हैं, नज़र ना लगे। और ये देखिए एक बड़ा सा पेड़ बन चुका है, एकदम नीम के पेड़ जैसा दिख रहा है। इसके दोनों तरफ है दो इमली का पेड़, इमली भी है यहाँ पर। ये देखिए इस फ्रूट को स्कूल के टाइम हमने कितना खाया है। ये मैनिला टैमरिन है जिसको हम कोड़का फली कहते हैं बैंगलोर में, और इसके पेड़ यहाँ पर अनगिनत है। आपके यहाँ पर इसका क्या नाम है मुझे कमेंट में बताना प्लीज़। ये है मोरिंगा ट्री, ड्रमस्टिक लीव्स या सज्जन की फली का पेड़। ये पेड़ भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ वहाँ देखने को मिलेगा। सब्जी बनाने के लिए मैंने थोड़ा निकाल लिया है। ये है बादाम का पेड़, समर है ना इसीलिए देखिए पत्ते लाल हो गए हैं। अभी ये गिर के नए पत्ते लगेंगे इसमें फिर से। वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने अगर इन पे ध्यान नहीं दिया होता तो मुझे मेरी नानी याद दिला देते। देखिए इन्हें, और ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है पता है आपको? ये देखिए इस कोड़का फली के पेड़ को कितने सारे चिड़ियों ने अपना घर बनाया है और इनकी आवाज़ भी कितनी मधुर है। इन घोंसलों को आप देखिए कितने छोटे छोटे, कितने गोल गोल है। ऐसा लग रहा है कि ये घोंसले नहीं कोई फल लटक रहा हो। ये चिड़िया पीले रंग के हैं और ये इतने छोटे हैं, हमारी उंगली जितना ही है इनका साइज़। इनको वीवर बर्ड्स कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि ये अपना घोंसला इस तरह से गोल बहुत ही सुंदर बनाते हैं। ये है नीम, और ये रहा नारियल का पेड़, और वो है आम का पेड़। आम की बहुत सारी वैरायटीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पहली वाली वैरायटी है एप्पल मैंगो। हरे भरे पत्तों के बीच लाल लाल कलर के ये जो आम है ना, बहुत ही खूबसूरत है देखने में। इस पेड़ के डालियों को आप देखिए कितना नीचे है, कोई छोटा बच्चा भी आराम से इसमें से आम तोड़ सकता है। जब ये कच्चा होता है इसको खाया नहीं जाता, बहुत खट्टा होता है, पर ये आम पकने पर इतना मीठा होता है। अभी ये कच्चा है और छोटा है तो इसका कलर देखिए ब्राइट पिंक है, पर जैसे जैसे ये बड़ा होता है और पकने के स्टेज में आता है तो इसका कलर हल्के से पीले रंग का होता है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ तो एकदम ब्राइट रेड रंग का हो जाता है।
पके हुए लाल लाल इस एप्पल मैंगो को मैंने अपने मार्केट वीडियो में दिखाया है, आपने अगर नहीं देखा हो तो वो वीडियो देखिएगा ज़रूर। तो ये है दूसरी वैरायटी, इसमें कितने सारे हैं देखिए, देखिए इसमें कितने सारे हैं। ये है एक और वैरायटी, ये थोड़ा लंबा है और हल्के से पिंक है, जब ये पक जाता है तो पीला और हल्के से पिंक कलर का रहता है। ये देखिए एक और वैरायटी, ये दिखने में बहुत ही सोना है और अच्छा है, पकने में इतना मीठा नहीं होता पर कच्चा ये बहुत लाजवाब होता है। और नमक मिर्ची के साथ तो क्या कहने, चटपटा बहुत ही मज़ेदार होता है। ऐसे ही कैसे चले जाए, लीजिए कच्चा भी ये बहुत अच्छा है। ये रहा वाटरमेलन, और वाटरमेलन की हार्वेस्टिंग हो चुकी है इसीलिए यहाँ पर एक दो ही देखने को मिला, मेरे ख्याल से इनको सीड के लिए छोड़ा होगा। इसके ऊपर वाला प्रिंट आप देखिए कितना खूबसूरत है, मुझे ना इस तरह से फल सब्जियाँ फूल पत्ते इनमें जो नेचुरल डिज़ाइंस बने होते हैं इनको देखना और उसको निहारना मुझे बड़ा पसंद है। यहाँ पे ना बहुत सारे अमरूद के भी पेड़ हैं पर क्या फ़ायदा, इनमें से एक भी अमरूद हमारे नसीब में नहीं, कौवे चिड़ियाँ सारे खा जाते हैं और देखिए इस तरह से नीचे छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, उनका भी तो हक है इन सब पर। कितने सारे अमरूद हैं देखिए, चिड़िया खा के छोड़ा, ये सब उसी के पेड़ हैं। ये यहाँ पे एक दो है देखिए, वहाँ पर है और बहुत सारे लगे हैं, दिख नहीं रहा। देखिए अमरूद अच्छे लग रहे हैं ना। तो ये है चिक्कू, सपोटे का पेड़ है, बहुत सारे फूल खिले हैं अभी इसमें। मुझे देखिए एक मिला, ये अभी कच्चा है, दो दिन में पक जाएगा। ये छोटे छोटे संतरे का पेड़ है, टैंगरन जिसको कहते हैं, कच्चे बहुत सारे हैं पर पका हुआ देखिए वहाँ पर एक दूर देखिए एक दिख रहा है। और ये अपना मौसम भी है, और यहाँ पर लोग इसे लोकल ऑरेंजेस कहते हैं। और मज़े की बात बताऊँ आपको, मौसम्बी को ये ऑरेंजेस कहते हैं और अपने संतरे को ये संतरा कहते हैं, अच्छा है ना। बहुत सारे जगह में मैंने इसका पेड़ देखा है और मार्केट में तो ये बहुत कम पैसे में बिकता है, 10 शिलिंग में एक बड़ा मौसम्बी मिलता है जो है इंडिया के 6 रुपये। सारे ऑरेंजेस हैं, अच्छे हैं ना, देखिए यहाँ पर भी लगे हैं। ये देखिए सीताफल का भी पेड़ है, कितने छोटे छोटे हैं, यहाँ पर भी है, कितने छोटे छोटे लगे हैं देखिए सीताफल, बहुत सारे लगे हैं पर है बहुत ही छोटे। नसीब अच्छा है मुझे एक बड़ा वाला मिला। ये रहा गन्ना, और मैंने मार्केट में बहुत बारी देखा है, हमेशा देखा है गन्ना बेचते हुए। और हाँ यहाँ पे वाइट शुगर के बदले जो ब्राउन कलर का शुगर होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शायद गन्ना भी यहाँ पर ज़्यादा उगाते होंगे। ये है अपना अनार, और अनार के भी खूब सारे पेड़ थे यहाँ पर, अभी पता नहीं एक दो ही है। ये बड़े साइज़ का होता है और अच्छा मीठा भी होता है, ये बड़े होने से पहले ही चिड़िया इन्हें खा जाती है तो हमें ये मिले कोई चांस नहीं।
हम इंडियंस की तरह ही यहाँ के लोग भी केले ज़्यादा खाते हैं और 5-6 वैरायटी के केले तो मैंने यहाँ पर देखा है। आप इस पेड़ का साइज तो देखिए कितना छोटा है, ये 4 फीट से तो बड़ा नहीं है और इसमें केले लगे हैं। जादू यहाँ की मिट्टी में होगा शायद, हर चीज़ बहुत आसानी से लग जाते हैं यहाँ पर। यह है एक और वैरायटी और ये मार्केट में हर जगह मिल जाता है। और ये जो अपना केरला नेंद्रा है जिससे केरला चिप्स बनाते हैं, बनाना चिप्स, ये यहाँ पर थोड़ा महंगा बिकता है। 3 पीस करीब 200 शिलिंग में बेचते हैं। अपने केरल की तरह ही यहाँ पर भी खूब सारे नारियल के पेड़ हैं। यहाँ पर 3 चीज़ों के लिए नारियल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हुए देखा है। एक तो हुआ नारियल पानी के लिए, दूसरा हुआ करी बनाने के लिए। बहुत सारे यहाँ के कुकिंग में नारियल का दूध जो कोकोनट मिल्क होता है उसका यूज़ करते हैं। और तीसरा इस्तेमाल होता है नारियल से जो शराब बनाते हैं उसके लिए, जिसे कोकोनट टॉडी या पाम वाइन्स कहते हैं। लोग यहाँ पर लोकली इसको बहुत बनाते हैं, बेचते हैं और पीते भी हैं। इन पेड़ों का साइज देखिए बहुत छोटे हैं ना, फिर भी देखिए इसमें नारियल लगना शुरू हो गया है। और ऐसा नहीं है कि हर पेड़ यहाँ पर इसी साइज का है, बड़े पेड़ भी है। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट। नीचे बहुत सारे हैं, पेड़ पर भी है, दिखाती हूँ देखिए। इसका नाम इंग्लिश में स्टार गूजबेरी है और बैंगलोर में इसको हर्फी कहते हैं। आपके यहाँ पर इसका क्या नाम है मुझे कमेंट में बताना। बिना कुछ तोड़े ऐसे ही कैसे चले जाए, ये तो होगा नहीं ना। तो मेरा हाथ पहुँचने से रहा, मैंने माली भैया से मदद ली, ये मेरे लिए थोड़े निकाल रहे हैं। आपने तो खूब सारे ड्रैगन फ्रूट को देखा होगा मार्केट में और खाया भी होगा, पर हम में से बहुत लोगों ने इसका पौधा देखा तक नहीं होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है ड्रैगन फ्रूट का पौधा। इनकी एक मजबूत डन नहीं होती, ये ऐसे ही फैल जाते हैं, इसीलिए इनको इस तरह से टेंट बना कर दिया है, इसको ट्रेलिस कहते हैं, जिसके सपोर्ट से ये ठीक से खड़े हो जाए और फ्रूट ज़मीन पे गिरे ना। ये फ्रूट पकने पर कितना खूबसूरत दिखता है ना, ब्राइट पिंक में, अंदर सफ़ेद, उसमें काले काले वो जो डॉट्स, उसको काट लो स्क्वायर में या राउंड, बहुत ही सुंदर दिखता है। अभी ये देखिए कच्चा है, उसके बावजूद भी कितना सुंदर दिख रहा है। ये एक एग्जॉटिक फ्रूट है ना, तो आसानी से हर दुकानों में, हर सीज़न में ये नहीं मिलता, तो यहाँ पर भी बड़े बड़े सुपरमार्केट्स में ही मैंने इसको देखा है। कुछ और फ्रूट्स के भी पेड़ हैं, पपायाज है, पपाया लगे हैं पर अभी कच्चे हैं। बेर का पेड़ है, बेर में पत्ते पूरे झड़कर अभी नए पत्ते लगे हैं, फ्रूट्स उनमें नहीं है। आज का वीडियो मैं बस यही तक का रखती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको वेजिटेबल फार्म दिखाती हूँ, हमारे यहाँ की सब्जी वाला जो गार्डन है वो। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये जो फार्म पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है आपको पता है ना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमें अपनी दुआओं में याद रखना।